Hey guys, welcome to my channel. My name is Kalyani. Hope you all are doing great. So today I am going to create makeup look using only one brand. So आज मैं सिर्फ एक brand के products use करने वाली हूँ पूरे video में. So I am going to use only Maybelline products. So आज के पूरे video में मैं सिर्फ Maybelline के products use करने वाली हूँ makeup create करने के लिए. So without any further ado, let's get started. पहले स्किन केयर करते हैं, बाद में मेकअप शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है. आई जस्ट वॉश माय फेस और वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ. सो लेट्स डू स्किन केयर फर्स्ट. सो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस टोनर फ्रॉम प्लम एंड दिस इज़ रियली गुड एंड वेरी हाइड्रेटिंग. आई फील वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर यूजिंग दिस टोनर. इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, इट्स सो रिफ्रेशिंग. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम लॉरियल पैरिस एंड दिस इज़ रिवाइटल लिप क्रिस्टल मॉइस्चराइजर एंड इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड इन इट, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन टू काम योर स्किन. ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, सो दिस इज़ रियली हाइड्रेटिंग क्रीम. लास्टली सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम यूजिंग दिस एक्वालॉजिका सनस्क्रीन. दिस इज ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन, सो इट हैज विटामिन सी. सो आई एम यूजिंग फुल थ्री पम्प. समर स्टार्ट हो चुके हैं, सो यू कैन नॉट स्किप सनस्क्रीन. ओके, सो स्किन केयर इज डन, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड मेकअप. सो फर्स्टली आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम Maybelline Fit Me एंड दिस इज मैट प्लस पोरलेस प्राइमर एंड इट ऑल्सो हैज़ SPF 50, विच इज़ रियली ग्रेट. एंड दिस इज प्राइमर विद क्ले, सो दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग प्राइमर. For foundation, I'm using this Super Stay 24 hours full coverage foundation. So I also have one other option, that is this Fit Me Tint. But this product is little light for my skin tone, क्योंकि इसमें ज़्यादा shades available नहीं है, so मैंने ये pick किया. इसलिए मैं अभी ये product use नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे use किया तो काफ़ी white हो जाएगा. So I'm going with this product. दिस इज़ फुल कवरेज फाउंडेशन और ये काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेटिंग है. दिस इज़ रियली गुड फॉर इंडियन स्किन टोन और काफ़ी अफोर्डेबल है एंड इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेंड एज वेल. सो इफ यू वॉन्ट बजट फ्रेंडली हाई कवरेज फाउंडेशन देन यू मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट. मैं इस पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ फॉर माई लॉन्ग लास्टिंग मेकअप. लुक एट दिस कवरेज एंड फिनिश, इट्स लुकिंग रियली फ्लॉलेस. और मेरे जो भी दाग धब्बे थे, जो भी ब्लेमिशेस थे, डार्क स्पॉट्स थे, वो सब कवर हो चुके हैं अच्छे से. सेटिंग स्प्रे आप मेकअप के बीच में कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट मेकअप फिक्सर यू हैव टू मेक श्योर कि आप एंड में ही यूज़ करो. यू कैन नॉट यूज़ मेकअप फिक्सर इन बिटवीन योर मेकअप. नाउ टू सेट माई बेस, आई एम यूजिंग दिस लूज पाउडर फ्रॉम फिट मी इट्सेल्फ एंड आई एम यूजिंग शेड 15 लाइट. सो अगर आपको कोई अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, कोई अच्छे लूज पाउडर में, देन यू शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ माई बेस इज लुकिंग राइट नाउ.
आई मेकअप के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस काजल एज अ लाइनर. आई ऑल्सो हैव लाइनर लेकिन मैं आई लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस काजल और मैं इसे स्मज करूँगी, थोड़ा सा स्मजी लुक देंगे. सो आई डोंट हैव आई शेडो पैलेट, मेबलिन आई शेडो पैलेट, सो इसलिए एक्चुअली आई कैन क्रिएट समथिंग क्योंकि आई हैव दिस ब्लश, इट इज़ इन पिंक कलर. सो लेट्स क्रिएट आउट ऑफ दिस. तो मैं ये ब्लश थोड़ा सा अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी, वेरी लिटिल. लुक एट द डिफरेंस. और अभी मैं काजल यूज करूंगी एज अ आई लाइनर एंड देन आई विल स्मर्ज इट. और जो लेफ्ट ओवर इस ब्रश में बचा हुआ है उसी से मैं थोड़ा सा नीचे स्मच करूंगी अपने लोअर लैशेस पे. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस हाइलाइटर आई एम गोइंग टू हाईलाइट माय इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज. जस्ट टेकिंग अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हाइलाइटर and applying it in inner corner. I can use mirror. Last is mascara. So I'm using this Colossal waterproof mascara. ये मस्कारा लैशेस को काफ़ी अच्छा लिफ्ट देता है और वॉल्यूम भी ऐड करता है. सो आई रियली लाइक दिस मस्कारा. सो दिस इज द फर्स्ट कोट एंड दिस इज हाउ माय लैशेस आर लुकिंग. लेट्स अप्लाई सेकेंड कोट. Look at the difference after second coat. Okay, so eye makeup is done. Now let's use blush. So I'm using this Fit Me blush and it is in pretty baby pink color. So the shade name is also pink. Yes. Let's apply this. This is my favorite part क्योंकि blush से जो skin है वो काफ़ी healthy दिखती है and you look so pretty. सो ये ब्लश काफ़ी नेचुरल लुक देता है और ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है. यू हैव टू बिल्ड पिगमेंट ऑफ दिस ब्लश. थोड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं अभी क्विक क्विक मेकअप करूँगी क्योंकि लाइट्स का प्रॉब्लम है. मैं नेचुरल लाइट पे शूट करती हूँ सो जस्ट टू लुक एक्स्ट्रा क्यूट आई एम एडिंग ब्लश ऑन माई चिन and also on my nose area. So I'm using this highlighter from Maybelline Master Chrome and the shade is 100 Molten Gold or Fondue. So this is the name of shade and let's apply this. Last is lipstick and I'm using this Maybelline Sensational lipstick and this is matte liquid lipstick. So let's apply this and it is in nude color. So the shade name is 21. Down, 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 down.
I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please do not forget to like, share and subscribe to my channel, and also hit bell icon. So see you next time. Thanks for watching. Till then, bye.